हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका भाई प्रांशुपाल आ गया हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो गाइस आप लोग मेरे को अभी देख रहे होगे रेडी। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ, जो मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई सर्विस सर्विस, तो आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस कराने। और आज मैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप भी करूँगा। और मुझे पता है मैं हर बार सोचता हूँ मोटर व्लॉगिंग की पर हो नहीं पाती है। मैंने अपने भाई को बुलाया, ये है भाई MG थ्रॉटल, ठीक है अमन भाई, इसका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई का आज बर्थडे है, फिर भी भाई मेरे लिए आया है। तो भाई कमेंट सेक्शन में पहले हैप्पी बर्थडे लिख दो, बस उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो भाई देखो इसने भी लगा रखा है सेटअप, भाई मेरे लगा देना सेटअप, ठीक है सारे जुड़ गए। तो भाई अभी चल रहे हैं जल्दी से, मैं रेडी वेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो रही है भाई को भी जल्दी। तो पहले एक बार नीचे पहुँच लें फिर मिलते हैं। तो भाई फाइनली मैंने अपनी वैन को स्टार्ट कर लिया है और आज ये तकरीबन 2 से 2.5 दिन बाद निकल रही है, क्योंकि वही जब दीदी को गाड़ी सिखाई थी उसके बाद से मैंने गाड़ी निकाली नहीं थी, क्योंकि मेरा भी निकलना बाहर नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से बाहर निकाल ले। और आप ये देखो गंदी कितनी हो रही है, देख रहे हो धूल। बस ब्लैक कलर में थोड़ा यही डिसएडवांटेज है, वरना भाई ये भी मेरे लिए भाई डिसएडवांटेज है ही नहीं। मेरे को तो भाई गंदी गाड़ी बढ़िया लगती है। तो जल्दी से निकाल ले रहे हैं बाहर, कपड़े वपड़े मारते हैं फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। अरे 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 अब डी रहा है, इधर आओ इधर आओ। ये तो गिग्गल, इससे नहीं मिल पाऊंगा, इससे मिल पाऊंगा, आ जा ले मिल। अरे अरे कुछ नहीं, अरे खड़े रहे भाई, लोग ने हैंडसअप कर दिया। आ जाओ एलेक्सा, एलेक्सा ओए ओए। ये अपनी बहन हम यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और पापा को भाई शौक है मेरी गाड़ी नहीं चलाएंगे, औरों की चलाएंगे। तो देखो भाई वहाँ गए हैं, अभी पूछते हैं पापा से गाड़ी चला के लगा कैसा। मुझे पता है वो मेरी वाली की बेइज्जती करेंगे, क्यों भाई। बहुत अरे अरे ये देखो, अगर मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ मुझे, ये लो 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 मैं वाह कैसी लगी। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉगिंग के सेटअप पे, मतलब अपने क्या फर्स्ट टाइम नहीं दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग के सेटअप पे। और भाई को मैंने भी अपना हेलमेट दे रखा है, तो थैंक यू भाई अगेन। तो भाई अब जल्दी चलते हैं। और मेनली मैंने ये सेटअप करा क्यों है, क्योंकि अभी देखो मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम सर्विस कराने जा रहा हूँ, और शायद वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी डिफरेंसेस मेरे को लग रहे हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंसेस मैं आपके संग शेयर करूँ। तो अभी देखो क्या है, जैसे मैं इसको नैनीताल से ले आया, ठीक है। तो पावर मेरे को ना हर जैसे अभी तो छोटे गियर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2-3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जब मैंने इसको थोड़ा सा भगाने की कोशिश करी, तो इसका जो टॉप एंड था मतलब उस टाइम वो 120 टच हुई थी, मेरे को इतना याद नहीं है, 115-120 हुई थी। और वो ना देखो यार मैं भगा तो नहीं, मैं लिटरली नहीं भगाता गाड़ी, पर यार अगर साथ के आगे चल रहे थे तो मेरे को भगानी पड़ी, तो बस वही वाली बात थी, ठीक है ना। तो मैंने भगाई, बट पावर वैसे जैसे फर्स्ट जिसे मेरा दोस्त है उसकी भी है ना अर्थ चला रखी है, तो उसका पहले ही है मैं जैसे वो पिकअप जो उठाती है ना उससे पता चल जाता कि भाई गाड़ी खुली हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार सर्विस कराते हैं। और पावर में तो कोई कमी है ही नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आफ्टर सर्विस इसमें माइलेज में तो आएगा ही डिफरेंस, बल्कि ऊपर से इसकी पावर में सिंपल सी बात है भाई आ रही है। तो ठीक है बस इंतज़ार किस चीज़ का है, चलो चलते हैं। बाकी यार भाई जो लोग कह रहे हैं मोटर ब्लॉग भाई देख लो लो तुम्हारा भाई मोटर ब्लॉगिंग भी आ गया, और बताओ क्या तुम लोग को क्या मांगता है और बताओ। पर अगर आप लोग कहो कि सिर्फ मोटर ब्लॉगिंग, तो भाई यार देखो मैं फिर से बोलूँगा सिर्फ मोटर ब्लॉगिंग तो यार नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। पर हाँ मैं इतनी बात पक्की से बोल सकता हूँ 101% मैं मज़े आपको इसमें मोटर ब्लॉगिंग से ज़्यादा दिलवाने वाला हूँ, जो मेरे अभी अपकमिंग जो आने वाला है। और थैंक यू सो मच 500 इतने जल्दी कराने के लिए, मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो काफ़ी कम थे, बट एकदम से जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है अपना, थैंक यू सो मच। 10K मेरी इस बाइक की वीडियो पे भी हो गया, अगेन थैंक यू सो मच। तो बस यार और क्या चाहिए, आप लोग ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो। और मैंने कुछ ऑर्डर किया है बहुत ही खतरनाक, मेरी कैसे बरीदी में किसी ने ट्राई नहीं किया होगा,
कुछ बाइक वाइक सब हटा कर है कुछ नहीं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, बस इंतज़ार क्या है। और बाकी हाँ, जिन जिनको पता लगना है कि जो जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, जाओ और मेरे ख्याल से वो आज ही आ जाएगी मेरे घर पर। तो जब भी वो मेरे घर पर आएगी मैं तुरंत भाई उसको स्टोरी लगाऊंगा, तो जल्दी से जाओ भाई देखो और स्टे ट्यून यार, और क्या चाहिए। ठीक है, फाइनली हम लोग आ चुके थे और तकरीब आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी गाड़ी का नंबर आया क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो अच्छा, मैं अभी घर जाके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या मैंने गाड़ी में करवाया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आपको क्लियर होगी नहीं, तो ठीक है ना, तो पहले सर्विस करा लें फिर मिलते हैं। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी है और अभी हम फिलहाल ये वाला इंजन ऑयल देख रहे हैं यामा का, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और ये है भाई एयर फिल्टर। सो गाइस, फाइनली एक से दो घंटे के बाद हमारी गाड़ी का वॉशिंग का टाइम भी आ गया, तो बस जल्दी से इसको वॉश कराते हैं फिर चलते हैं अपने घर की ओर। हमारी गाड़ी में पूरी पॉलिश वगैरह हो चुकी है बढ़िया से, और मतलब एक बार भाई लुक देख सकते हो आप लोग, क्या ही जहर आ रहा है, मतलब अलग ही। और अभी मतलब हमने जैसे ये खुला ना करा, तो मैंने देखा अंदर, तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी सारी एक्सीडेंटल हैं। और जैसे कि ये अमन भाई राइडिंग करता है, मतलब हमारा मतलब एक ग्रुप है जिसमें मैं भी राइडिंग करना स्टार्ट करूँगा, तो भाई ये हमारा राइडिंग यही गाड़ी है ना वो, ओ भाई ये देखो पूरी एक्सीडेंटल गाड़ी। तो वो किसकी किसकी थी गाड़ी है ये तो पता नहीं, लेकिन ये है कि ये R15M Monster Edition है। अच्छा, तो गाइस फाइनली हमारी सर्विस, पहली सर्विस डन हो चुकी है और अब हम लोग उसको चलते हैं स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने अभी तक उन्होंने कहा है ट्रायल के लिए, पर मैंने एक भी ट्रायल नहीं लिया, मैंने कहा सीधे ट्रायल आपके संग ही लूँगा, तो लेट्स सी देखते हैं। वाह, ये मतलब अब चलो यार, ये तो चलो होता ही है। बाकी गाइज, मैंने जो भी इसमें चेंजेस करवाए हैं, मतलब जो भी वहाँ करवाया है, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा, ठीक है ना, कि कितने रुपए का क्या चीज़ पड़ी और कैसी क्या पड़ी। चलो अमन भाई चलो, ठीक है ना। और हाय भाई, क्या ही स्मूथ चल रही है यार, कसम से, मतलब बहुत स्मूथ। ओहो भाई की बिजली, भैया देखो हमको तो आता ना है ये सब, हम तो अपने नॉर्मली बंदे हैं, भैया नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं। भाई ने बहुत बढ़िया वीडियो मारी, और थैंक यू सो मच भाई अमन भाई को भी यार, वो बंदा मतलब उसका आज बर्थडे है यार, वो बंदा लेकिन मेरे काम के लिए आया, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, वहाँ पे भी भाई वीडियो डालेगा सर्विस की। उसने कहा कि भाई मैं भी वीडियो बना लूँगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई बनाओ, कंटेंट मिलना चाहिए, बनाते रहो सब लोग, ठीक है ना। तो बाकी चलते हैं, 590 देखो मेरी गाड़ी चल चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा 590, और करवा दी क्योंकि डेट हो रही है ना। बाकी गाड़ी स्मूथ बहुत चल रही है यार, अमन बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है क्यों भी। तो भाइयों, थोड़ी बहुत भगा तो सकते हैं, क्या किया जाए, भगाया जाए। आओ भाई, एक इसका साउंड जो आता है ना जब ये 7000 RPM क्रॉस करती है, ओए भाई जो ये परफॉर्मेंस देती है, आई डोंट नो इसमें मीटर से एक्सेल हो रहा होगा। हाँ हो रहा, चलो बढ़िया, सुपर्ब यार भाई, मज़ा तो है भाई, कसम से भाई सर्विस के बाद मज़ा तो है। और मैंने अभी जो ऑयल डलवाया है मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, बाकी मैं एक फ़ोटो और लगा दूंगा, इस बार ये ऑयल ट्राई करके देखता हूँ, और अगर ये पसंद नहीं आया तो फिर कोई और ट्राई करके देखेंगे। तो भाई अभी तो मैं बात करने के मन में नहीं हूँ, अभी मुझे चला लेते हो गाड़ी, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर, और
अभी जैसे कि खाना वाना मैंने खा लिया, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने क्या करवाया, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा। तो गाइज ये है मेरा बिल और मैं आपको दिखाता हूँ बिल, ये देखिए गाइज। तो मैंने एक करवाया था अपना इंजन ऑयल और एक एयर फिल्टर, तो मैंने ये दो चीजें अपने में करवाई थी और मतलब वो उन्होंने तो काफी लंबा चौड़ा बिल बना दिया था, मतलब कि उन्होंने तीन चार चीजें और ऐड की थी, मेरे को नाम याद नहीं है। तो तकरीबन 1200-1300 रुपए का बिल बनाया था कि आपकी गाड़ी में ऑयलिंग होगी और पता नहीं क्या चेन क्लीन होगी, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने दोस्त है, मैंने भैया से और दोस्तों वगैरह से पूछा, तो उन्होंने कहा ना सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक अपना इंजन, क्योंकि मेरी गाड़ी को भी टाइमिंग क्या हुआ, चली भी कितनी है जब मैं ये सब काम करवाऊँ। उन्होंने कहा सिर्फ एक एयर फिल्टर करा ले एंड एक इंजन ऑयल करा ले, ठीक है ना। तो गाइस अभी तो मैंने इंजन ऑयल करवा लिया, ये वाला इंजन ऑयल कराया, अब देखते हैं इसका वर्क कैसा है। उसके अलावा अगर हम कभी अगली सर्विस में इंजन ऑयल चेंज कराएंगे तो देखेंगे। बाकी आज की वीडियो बस यही थी, आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। भाई बाइक तो एक नंबर चल रही है, मजाक सटके बहुत तेज, बढ़िया, मतलब वर्किंग बहुत अच्छा है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।